सरकारों ने बेरोजगारों को भी अपनी सियासत का मानो हथियार बना रखा है। राजस्थान की दो तस्वीरें देखिए, जहां राज्य सरकार से रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है, केंद्र सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस और कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप अभी एक बेरोजगार युवा की शर्ट उतरते नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं राजस्थान में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति के दोहरे चरित्र के सच को सामने आते हुए। भीलवाड़ा से जयपुर आए मोतीलाल के शरीर पर यह जख्म उस सरकारी व्यवस्था की लाठी का है। लंबे समय से जिस लिजलिजी हो चुकी कुव्यवस्था के आगे इन्होंने सरकारी नौकरी का हक मांगा। 2008 के बाद सर पंचायती राज जयन की एक पद भी नहीं निकला है, ठीक है सर। उसके बाद में 2019 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 2100 पदों पर भर्ती निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 3.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे को भर्ती नहीं हुई है। ये बेरोजगारों का आंदोलन है, देखिए। ऐसे बेरोजगार नौजवान गुरुवार सुबह जब जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे, तब जयपुर में कानून व्यवस्था में बेरोजगारों की आवाज सरकार को चुभ गई। ऐसी चुभी कि जिन्हें सरकारी नियुक्ति की चिट्ठियां मिलनी थी, उन्हें लाठियों के दम पर उठाकर पुलिस हिरासत में लेने लगी। चार दिन से धरने पर बैठे बेरोजगारों से मिलने सरकार से एक आदमी नहीं आया। जब आए तो पुलिस के बूट आए, पुलिस की लाठी आई और वर्दी, इन्हें घसीटकर बसों में डाल दिया गया। ये राजस्थान के बेरोजगार हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस तरह से जो कई दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे वो सारे के सारे बेरोजगार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर निकल पड़े हैं। जो लिखित समझौता हुआ, टेक्निकल पर जूनियर अकाउंटेंट में 6000 पद और लिखित समझौता, लखनऊ समझौता और मुकदमा दर्ज करे, तमाम मांगे है। अब युवा बेरोजगारों की, तमाम बेरोजगारों की मांगे है। मंत्री बयान दे रहे हैं कि हर को सरकारी नौकरी मिले, ये घटिया बयान है, इसकी निंदा करते हैं। मंत्री और इनके सरकार के लोग तो पेपर लीक कर रहे हैं। आज हम आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, पहले पीसीसी जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा का फॉर्म भरकर परीक्षा का इंतजार कर रही शबनम अजमेर से आई, इनकी भी पिटाई हुई। हैरान करती बात ये कि राजस्थान में राज्य सरकार से रोजगार मांगने वाले युवाओं को कांग्रेस दफ्तर घेरने पर उठाकर बसों में डाल दिया गया। उसी दौरान जयपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना भर्ती के बेरोजगार दिन भर सड़क जाम करके रखे रहे, पुलिस शांत रही।